ऑक्यूपेशनल, आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ओके, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये जो वर्ड है ऑक्यूपेशन और हेल्थ, ये टू वर्ड से मिलके बना. ऑक्यूपेशन मीन्स जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. हेल्थ मीन्स हेल्थ इज़ अ स्टेट, सोशल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज. तो दैट इज़ अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ऑक्यूपेशनल हेल्थ रेफर्स टू द पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर दोज हु वर्क आउटसाइड द होम. ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से क्या मतलब है कि पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ, मतलब किसी भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई रिस्क एंड सेफ्टी. ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर दोज हु वर्क आउटसाइड फ्रॉम द होम. ठीक है, जो अपने घर के बाहर वर्क कर रहे हैं उनकी जो भी हेल्थ के सेफ्टी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ठीक है, हजार्ड्स मीन्स हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल समथिंग दैट कैन कॉज हार्म इफ नॉट कंट्रोल, मीन्स ऐसा कुछ भी कॉज होना जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ हजार्ड. ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ मीन्स ऑक्यूपेशन मीन्स जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे जो डिसीज़ हमें कॉज हो रही है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल डिसीज़. तो ये जो डिसीज़ डायरेक्टली कॉज बाय द पर्सन ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऐसी कोई डिसीज़ जो डायरेक्टली कॉज होती है किससे, जो जहाँ पर जो पर्सन वर्क कर रहा है, ऑक्यूपेशन है उसका, वहाँ से जो डिसीज़ कॉज हो रही है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल डिसीज़. तो ये जो थ्री वर्ड्स हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिसीज़, ये क्लियर हो गया. ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स क्या है, रेफर्स टू द पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर दोज हु वर्क इन द आउटसाइड होम. ओके, जो अपने घर के बाहर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑक्यूपेशन पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. हैजार्ड मीन्स है समथिंग दैट कैन कॉज इफ़ नॉट कंट्रोल, मतलब ऐसा कुछ भी कॉज होना जो हार्मफुल है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, नहीं किया तो हमें वो हमारे लिए हार्मफुल है. ऑक्यूपेशनल डिसीज़ क्या है, डिसीज़ डायरेक्टली कॉज बाय पर्सन्स ऑक्यूपेशन, मतलब कि जो भी पर्सन के ऑक्यूपेशन से जो डिसीज़ कॉज होती है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल डिसीज़. अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है. ऑक्यूपेशनल हेल्थ की डेफिनेशन सेम हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसी से के जैसे है, हम वो भी लिख सकते हैं. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज़ द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ द वर्क्स इन ऑल ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑक्यूपेशनल क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, एक प्रमोशन करना है, मेंटेन करना है हाईएस्ट डिग्री, मतलब कि जो भी हाईएस्ट डिग्री तक जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबिंग नहीं है लोग, उनको फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबिंग करना, मतलब उन्हें स्वस्थ करना है, हेल्दी करना है. ठीक है, ऑल ऑफ़ द वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी वर्कर्स हैं ऑक्यूपेशंस में, जिनका जो भी काम है, जो भी वर्कर्स काम करते हैं अपने अपने ऑक्यूपेशंस में, उन सबको क्या करना है, हेल्दी बना के रखना है. कैसे, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हाईएस्ट डिग्री तक उन्हें अच्छे से हेल्दी बना के रखना, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं. अब हम देखते हैं इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ हमारी मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे हजार्ड्स रहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं. ठीक है, वो बहुत सारी डिसीज़ कंडीशंस हमें देते हैं. ठीक है, डिसीज़ बहुत सारी वहाँ से हमें मिलती है अपने ऑक्यूपेशन से, लाइक इंजरीज़, ठीक है, या बर्न, या फिज़िकली हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं. तो उनके बारे में हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड में पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट क्या एम है इसका, टू मेंटेन एंड प्रमोट द फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, हम जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ देंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में सर्विसेज जो देंगे, तो उसमें क्या करना है, हमें मेंटेन करके रखेंगे एंड प्रमोट करेंगे फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स, मतलब कि उनको फिजिकली फिट रहने के लिए बोलेंगे, सोशली उन्हें फिट रहने के लिए, एंड मेंटली उनको सपोर्ट करने की करेंगे. ठीक है, जो उन्हें प्रमोट करेंगे कि वो जो वर्कर्स हैं वो फिट रहे, है ना, हेल्दी रहें. तो ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उनका एम था. सेकंड वन इज़ टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिसीज़ एंड इंजरीज. ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशनल इंजरीज हो रही हैं, डिसीज़ हो रही हैं, ऑक्यूपेशन से जो इंजरीज और डिसीज़ हो रही हैं, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उनका यूज़ करेंगे. ठीक है,
जैसे नॉर्मली ऑक्यूपेशन से कोई जो ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, या फिर वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन है, ऐसी जगह पे जहाँ पे जो वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ है उनसे जो एयर पॉल्यूशन होता है, तो इससे बहुत सारे उन्हें जो डिसीज़ कंडीशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें ये जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड वन इज़ इट शुड बी प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव, ठीक है। इसको क्या है, हमें प्रिवेंट करना है रेदर देन क्यूरेटिव, मतलब हमें इसको क्योर एंड प्रिवेंट दोनों ही करना है, ठीक है, क्योर पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए कि हमें क्यों करना है। ये इसलिए करना है कि मेंटेन करने के लिए जो भी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग के लिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए, ठीक है, और जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज और इंजरीज हैं उनको ख़त्म, उनको प्रिवेंट करने के लिए। फंक्शंस हम देखेंगे कि क्या क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, हम क्या करते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स जब भी कोई भी हम एम्प्लॉय अपने जो फैक्ट्रीज़ में या फिर अपने वर्क प्लेस पर हम जब उनको वहाँ पे रखते हैं तो हम क्या करेंगे, उनका एम्प्लॉय का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, तो हम उनका क्या करेंगे, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। जैसे आपने नॉर्मली देखा है कि जब मिलिट्री वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आर्मीज़ वगैरह के, तो वहाँ क्या होता है कि वो पहले एग्ज़ाम करवाते हैं, टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट होता है, वैसे ही इसमें होता है, बट इसमें ज़्यादा उस लेवल पे नहीं रहता, बट इसमें नॉर्मली हम प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें बहुत हाई लेवल पर रहते हैं, इसमें इतना नहीं रहता। तो जो भी है कि हम इसमें क्या करवाते हैं, उनको फिजिकली फिट देखने के लिए कि क्या क्या बीमारी, कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए कोई, जिससे क्या पता उनको ऑलरेडी कोई बीमारी हो, उसके बाद फिर वो ऑक्यूपेशन उसमें आके और ज़्यादा वो जो डिसीज़ कंडीशन है वो बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। वहाँ पे हमें जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का क्या है, फंक्शंस की जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए एक वहाँ पे जो फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज होना चाहिए वहाँ पे अवेलेबल, कि यदि कोई भी ऑक्यूपेशन में उनको कोई प्रॉब्लम हो, वर्कर्स को अपने ऑक्यूपेशन से कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई और जैसे फ्रैक्चर हो गया नॉर्मली, ब्लड हो रहा है या कुछ भी बर्न हो गया, तो उसे जल्दी से जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरविजन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस इन द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। सुपरविजन करना है हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट का, कंट्रोल ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, मतलब कि जो भी डेंजरस सब्सटेंस है, मतलब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हैं जो डेंजर हैं या फिर कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डेंजर हैं वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के लिए, तो उनका सुपरविजन करना है हमें कि जो जो क्या पता जो जो आर्टिकल्स हैं वो ख़राब हैं या फिर हार्मफुल हैं वो, तो हमें उनका यूज़ नहीं करना है, तो ये सारे हम सुपरविजन करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल एग्जामिनेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ हेल्थ ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्पेशल एग्जामिनेशन करवाएंगे एंड सर्वेलेंस देंगे जो वुमन्स और चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, ठीक है, उन्हें बता के देंगे, उनका एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या क्या कोई उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डिसीज कंडीशंस तो नहीं, ये सब। नेक्स्ट है एडवाइजिंग द एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, एडवाइस करेंगे एम्प्लॉयर को, जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उनको एंड मैनेजमेंट को, कि जो भी वहाँ की वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन है मतलब काम कर रहे हैं वो सब क्या है, उसको इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी ना फैसिलिटीज़ लाने के लिए हम उन्हें बोलेंगे, कहेंगे। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर असिसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हज़ार्ड, ठीक है। मॉनिटरिंग करेंगे हम जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका असिसमेंट करेंगे और जो हज़ार्ड्स हैं उनको पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो भी हार्मफुल है उन सब पे कंट्रोल करेंगे और मॉनिटर करेंगे हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर मेडिकल चेकअप एंड फॉलो अप फॉर मेंटेनिंग हेल्थ स्टैंडर्ड एंड आल्सो फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है।
क्या करना है, हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, मेडिकल चेकअप्स करवाना है एंड फॉलो अप केयर देनी है, ट्रीटमेंट देना है एंड जो भी उनका हेल्थ स्टैंडर्ड है उसको आफ्टर ट्रीटमेंट उनका इवेल्यूएशन करना है। ये सारे पॉइंट्स जो थे वो थे फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के। नाउ वी विल टेक ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में ये बहुत टाइप्स के होते हैं बट कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं बताऊँगी। फर्स्ट इज फिजिकल हजार्ड, सेकेंड केमिकल हजार्ड, थर्ड बायोलॉजिकल हजार्ड एंड फोर्थ वन साइकोलॉजिकल हजार्ड एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एंड सिक्स ऑक्यूपेशनल कैंसर्स एंड सेवन्थ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो फिजिकल हजार्ड मीन्स जो भी फिजिकली किसी भी चीज़ से हमें हार्मफुल हो हार्म हो रहा है, जैसे हीट के कांटेक्ट में आके बर्न हो जाना या कहीं भी स्किन जो है वो ब्रेक हो जाना, कोल्ड के या लाइट के एक्सपोज में आके, या फिर जहाँ पे हम वर्क काम कर रहे हैं हमारी वर्क प्लेस पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पर, तो इससे क्या है हमारे जो आइस है आइस प्रॉब्लम हो सकती हैं और भी आई से रिलेटेड कंजक्टिवाइटिस ये सारी प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, या फिर नॉइज़ मीन्स जो भी शोर हो रहा है, जो भी मशीन्स वगैरह से जो हमारा वर्क हम जो हम काम कर रहे हैं वहाँ वो उसमें डिस्टर्बेंस होगा, तो मेंटली हम इस मतलब फिट नहीं रहेंगे, एकदम शोर से हम मतलब बिल्कुल भी जो सुनने की क्षमता है वो भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा जो फिज़िकल हजार्ड्स हैं उनसे ये जो डिसीज़ कंडीशन है वो होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड मीन्स केमिकल्स जैसे नॉर्मली फैक्ट्रीज़ में जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, गैसेस या डस्ट या उसका इन्हेलेशन करके जो भी गैस वगैरह होती है उनको इन्हेल करके इंजेक्शन करके, तो ये जो डिजीज़ कंडीशन होंगी केमिकल से, दैट इज़ केमिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड में ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स एंड टिटनस, ये तीनों नाम अपने पढ़े होंगे कम्युनिटी में, डिसीज़ भी हैं सेकेंड ईयर में। तो ब्रुसेलोसिस क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एनिमल से मैन में होता है, किसी भी पीपल्स में जब एनिमल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और एंथ्रेक्स भी सेम इसी के जैसा है, ये नॉर्मली एनिमल्स में, एंथ्रेक्स जो है एनिमल्स में पाया जाता है, ये भी ट्रांसमिट होने एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। टिटनेस भी इन्फेक्शन, ये सारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स से होने वाली कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड मीन्स डिप्रेशन में आके या कोई भी ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ से हम बहुत डिप्रेस हो गए हैं, वर्किंग लोड इतना है, तो डिप्रेशन भी होने के चांसेस हैं। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज बीपी, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने लगे कि हाँ हम स्ट्रेस में ना रहें, जो माइंड है हमारा वो काम एंड कूल रहे, तो इसके लिए क्या करें, अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, तो ये सारे साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के अंदर आएगा इलेक्ट्रिकल बर्न्स, मीन्स कोई भी ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाए, कोई भी स्विच है वो सही नहीं है, उससे भी बर्न होने के या फिर जो करंट है वो लगने का चांसेस है, ठीक है, शॉक लगने का चांसेस है। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स। ऑक्यूपेशनल मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन से लंग कैंसर, स्किन कैंसर होने के चांसेस है। लंग कैंसर किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से के थ्रू या फिर कोई भी केमिकल्स गैसेस के थ्रू लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, स्किन कैंसर। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स में डेथ भी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है या कोई भी ऑर्गन्स कटआउट हो सकता है, ये सारे जो भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इजी है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल, ऑक्यूपेशनल, एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन कंट्रोल देखते हैं कि हम इसको जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसमें कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट इज़ जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनसे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही हैं तो हमें उनको बारे में जानना है, हेल्थ एजुकेशन लेना है, ठीक है। वो क्या हम किसी कोई भी पर्सन बीमार है तो हमें उसके कॉन्टैक्ट में
नहीं आना है, एक्सपोज नहीं होना है, तो ये सारे हम प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन करवाना है, ठीक है, अपने ऑक्यूपेशंस पे सफाई रखना है, एनवायरनमेंट सैनिटेशन करना है, वाटर सप्लाई का ध्यान रखना है, ठीक है, आसपास सफाई होना चाहिए, खाने में हेल्दी डाइट लेना है, ये सारे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार और टॉपिक ये रिवाइज करें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रेफर्स टू द पोटेंशियल टू हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर दोज हु वर्क आउटसाइड द होम। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड मीन्स समथिंग दैट कैन कॉज हार्म इफ नॉट कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्यूपेशनल डिसीज डायरेक्टली कॉज बाय पर्सन्स ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऐसी कोई भी डिसीज़ जो डायरेक्टली कॉज किससे होती है, पर्सन्स ऑक्यूपेशन से। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज़ द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग ऑफ द वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब कि फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबिंग होना चाहिए जो भी वर्कर्स अपने ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हैं। इन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में वही मेंटेन एंड प्रमोट करके रखना है, प्रिवेंट करना ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड इंजरीज को, एंड इट शुड बी प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ में है, हमें प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विसेज देना है, सुपरविज़न करना है, ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स मैं बताई चुकी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमें हेल्थ एजुकेट करना है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, ये सब। ठीक है, क्लास आपको कोई भी इसमें यदि डाउट है तो आप इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।